हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का मुख्य टॉपिक वाइंडिंग रखा गया है। वाइंडिंग क्यों रखा गया दोस्तों कि आज के समय में सबसे ज्यादा तीन टॉपिक उठाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाइंडिंग। तो आज का मुख्य टॉपिक वाइंडिंग रखा गया है। तो हम समझेंगे कि वाइंडिंग किसे कहते हैं, वाइंडिंग के प्रकार कितने होते हैं, वाइंडिंग में संबंधित जो शब्द होते हैं उन्हें हम पहले समझेंगे, क्योंकि जब हमारा बेस मजबूत होगा तभी हम अपना उस पर कोई एक चीज, कोई बिल्डिंग तैयार कर पाएंगे। दोस्तों देखते हैं वाइंडिंग क्या है, वाइंडिंग किसे कहते हैं। तो किसी इलेक्ट्रिकल मशीन में उसके खांचों में यानी कि उसके सलाटों में क्रमवत तारों को बैठाना वाइंडिंग कहलाता है। अब वाइंडिंग हो गया, तो वाइंडिंग करने से पहले दो पदार्थों की आवश्यकता होती है। एक को बोलते हैं इंसुलेटिंग पदार्थ और एक को बोलते हैं कंडक्टिंग पदार्थ। इंसुलेटिंग पदार्थ का मतलब यह होता है कि वे पदार्थ जो तार से स्टेटर में करंट न जाने दें, और दूसरे कंडक्टिंग पदार्थ जिनके माध्यम से हमारा करंट प्रवाहित होगा और हमारी सारी क्रियाएं संपन्न होगी। तो ये दो पदार्थ होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास स्टेटर है, स्टेटर में ये खांचे कटे हुए हैं, यहाँ पे तारों की वाइंडिंग होनी है, लेकिन ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये क्या है, इंसुलेटिंग। कॉइल क्या होती है, तो कॉइल क्या होती है, किसी चालक को क्रमवत लपेटना और लपेटने के बाद उसको एक निश्चित आकार देना ही कॉइल कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक ऐसे लंबा तार था, एक चालक था। इस चालक को क्या किए, हम एक लकड़ी के फर्मे पे या किसी के फर्मे पे यानी कि एक निश्चित आकार देने के लिए एक फर्मा बनाएंगे और उस फर्मे पे क्या करेंगे, हम लपेटना शुरू कर देंगे, ऐसे ऐसे लपेटना शुरू करेंगे और वो क्या है, क्रमवत लपेट रहे हैं ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि किसी चालक को किसी निश्चित आकार में लपेटना ही कॉइल कहलाता है। अच्छा, अब कॉइल हो गया, तो कॉइल में दो सिरा होता है, हर एक कॉइल में दो सिरा होता है, एक प्रारंभिक सिरा और एक अंतिम सिरा। अच्छा, जो प्रारंभिक सिरा होता है और जो अंतिम सिरा होता है, इसी को हम लीड कहते हैं, यानी कि कॉइल लीड कहते हैं। तो इसे भी हम कॉइल लीड कहेंगे, इसे भी हम कॉइल लीड कहेंगे। आपके लिए हम प्रैक्टिकल रूप में लेके आए हैं। देखिए, ये हमारे पास कॉइल है, यानी कि स्टेटर कॉइल क्या हुआ, पूरा स्टेटर है। इस स्टेटर में ये पूरा कॉइल भरी गई है और कॉइल इसमें दो कॉइल भरी हुई है, इसलिए इसमें एक कॉइल के दो सिरे और एक कॉइल के दो सिरे, यानी कि हमारे पास कुल चार सिरे हैं। तो इसमें देखिए, ये पीला वाला यानी कि एक कॉइल का प्रारंभिक सिरा और एक कॉइल का अंतिम सिरा, दूसरे कॉइल का प्रारंभिक सिरा और दूसरे कॉइल का अंतिम सिरा। तो ये जो हमारे पास निकला है इसी को हम लीड कहेंगे, इसी को हम कॉइल लीड कहते हैं। ये हमारे पास, और देखिए तार हमारे क्रमवत लपेटे गए हैं और एक निश्चित फर्मे पे लपेटे गए हैं, इसलिए हम इसे कॉइल कहते हैं। अच्छा, कॉइल हो गया, कॉइल लीड हो गया। अब इसमें आता है, एक होता है एक्टिव साइड, एक होता है इनएक्टिव साइड। तो एक्टिव साइड क्या होता है, एक्टिव साइड का मतलब होता है कि जितना तार इन खांचों के अंदर में है, जितना तार इन खांचों के अंदर में है उसे हम एक्टिव साइड कहेंगे, यानी कि जितने तार से हमारा विद्युत वाहक बल रोटर को मिलता है उसे हम एक्टिव साइड कहेंगे। यानी कि जितनी लंबाई, यहाँ पे देखिए जितनी लंबाई हमारी उंगली में जा रही है, ये खांचों की लंबाई है, उतनी ही आकार में जितने भी तार मिलेंगे उन सब तारों को हम एक्टिव कहेंगे। अच्छा, जो तार हमारे स्टेटर से बाहर निकल रहे हैं, इससे बाहर निकल रहे हैं, जैसे ये देखिए, ये इतना तार निकल रहा है, ये इतनी कॉइल निकल रही है, तो इस कॉइल को इनएक्टिव कहेंगे, क्योंकि रोटर जो होता है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। देखिए कैसे, हमारे पास रोटर भी है, अगर हम रोटर को इसमें लगाएंगे तो रोटर की लंबाई चौड़ाई उतनी ही रखी जाती है जितने के अंदर स्टेटर का क्षेत्र होता है। अच्छा, अब उस क्षेत्र रख दिया गया, अब क्या होगा कि जो इस रोटर से बाहर क्षेत्र है, कॉइल निकली हुई है, उस कॉइल को हम इनएक्टिव कॉइल कहेंगे। तो ये क्लियर हुआ। अब इसमें आता है एक्टिव और इनएक्टिव हो गया। अब देखिए, यहाँ पे दिखाए हैं हम चित्र के माध्यम से, देखिए कि ये हमारा मोटर होता है, इस मोटर के अंदर ऐसे सलाटें कटी होती हैं, तो सलाटों के अंदर जहां तक सलाट मिल पाए जाते हैं, यहां से यहां तक जो सलाट पाए जाते हैं, इसके अंदर जितना तार रहेगा उसे हम एक्टिव कॉइल कहेंगे। अच्छा, इसके बाहर जो तार रहेगा उसे हम इनएक्टिव कॉइल कहेंगे। अब इसे समझेंगे कैसे, देखिए ये हमारे सलाट हो गए, तो इसके अंदर हमने यहाँ पे तार डाला, ये इसके अंदर हमने तार डाला, ये
ये एक्टिव हो गए, और इसको इसमें से इसमें डालने के लिए ऐसे घुमाएंगे ना, ऐसे जब घुमाएंगे और इसको ऐसे जब घुमाएंगे तो जो ये भाग जो बाहर निकल रहा है, ये भाग जो बाहर निकल रहा है, इतने भाग को हम इनएक्टिव कह देंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन तो हो रहा है लेकिन हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, और इसी में क्या होता है कि इसी में जो ये सिरा होता है कॉइल लीड, इसी में से क्या करते हैं, एक सिरा ऐसे निकाल लेते हैं, एक सिरा ऐसे निकाल लेते हैं, इसी को हम कॉइल लीड कह देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है जो भाग में स्टेटर में होगा उसे हम एक्टिव, जो स्टेटर से बाहर होगा उसे इनएक्टिव, यानी कि ये वाला, और इससे जुड़ी हुई जो लीड होगी उसे हम कॉइल लीड कहते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा वाइंडिंग के संबंधित शब्द होते हैं, इन्हें हमें जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि परीक्षा में छोटी चीज पूछ लेता है और हम भ्रमित हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जब हमारी वाइंडिंग अब शुरू होगी, आगे फुल पिच, शॉर्ट पिच, लॉन्ग पिच, डायमंड कॉइल या और अन्य कॉइलें जो हैं उनके बारे में जब पढ़ेंगे, तो अगर हम इन शब्दों से परिचित नहीं रहेंगे तो हम आगे जाके बच जाएंगे। इसी में आता है SWG। SWG क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। भाई जब हम वाइंडिंग करेंगे तो तार होंगे, तारों का मानक होगा कि कितने मोटे हैं तो कितने व्यास के होंगे, तो उसी को मापने के लिए SWG लगता है। जब कभी भी गेज लगेगा वो चाहे चादर के लिए होगा, यानी कि लोहे की चादरों के लिए होगा, और चाहे तारों को मापने के लिए होगा। अगर गेज का मान बढ़ाते चलेंगे तो उनकी मोटाई कम होती, यानी कि उनका व्यास कम होता चलेगा। अगर गेज का मान घटता चलेगा तब चादरों या चालकों की मोटाई बढ़ती चलेगी। ये गेज में मुख्य अंतर ही होता है। अच्छा, फिर आता है कि इंसुलेटिंग पदार्थ, क्योंकि हम बताए थे ना कि एक कंडक्टिंग पदार्थ होता है और एक इंसुलेटिंग पदार्थ होता है। इंसुलेटिंग पदार्थ को एक वर्ग में बांटा गया कि यहाँ पे YAEBFHC इस तरीके से होता है। तो इसकी एक क्लास मेरी अचालकों का वर्गीकरण के नाम से पड़ी हुई है कि किस वर्ग में कौन सा पदार्थ होता है, किस वर्ग में नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ कि वाई का तापमान जो होता है वो 90 होता है, A का 105, E का 120, B का 130 और F का 155 और H का 180 और 200। अब इसे हम याद कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक, एक 30 सेकंड के अंदर आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। देखिए पहले के जितने भी खाने हैं इसमें 15-15 का अंतर, फिर लास्ट में 10 का अंतर। देखिए 90, 15, 105, 105, 15, 120, 120, 10, 30। अब जब 30 मिल जाएगा तो हम रीजनिंग की तरह इसे पढ़ेंगे कि हम 15, 15, 10 बढ़ाए हैं तो अब की बार फिर 10 जोड़ देंगे। जब 10 जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ये 15 था, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 25 हो गया, ये 15 था इसमें 10 जोड़ेंगे तो 25 हो गया, ये 10 था इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये 20 हो गया। इस तरीके से अगर रीजनिंग की तरह आप इसे हल करेंगे तो भी आप तापमान कभी नहीं भूल सकते हैं। क्या करना है, 90 में 15, फिर 15, फिर 10, फिर क्या करना है उसी में 15 में 10, 10, 10, यानी कि तीनों में समान रेशियो में जोड़ देना है। ये मिल गया। अच्छा, अब इसे कैसे याद करेंगे कि वर्ग का क्रम कैसे होता है, तो इसे याद कर लेंगे S A Elder Brother Help in history class। हाँ, मेरा छोटा भाई इतिहास विषय में फेल हो गया। बस इतने शब्द से ही आपका पूरा अचालकों का वर्गीकरण पूरा हो जाएगा। बाकी फुल वीडियो के लिए हमने एक वीडियो उसमें डाल रखी है, अचालकों का वर्गीकरण। दोस्तों ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और वाइंडिंग से संबंधित अन्य क्लासें भी मेरी आने वाली हैं। अगर ये पसंद आई है तो आप अन्य वीडियो को भी जरूर देखें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।